क्या दाड़ी को काली मेहंदी लगाना जायज़ है रसूल सल्ह वसलम ने सफ़ेद बालों को काला करने से मना किया है सही हदीस में इसकी मुखालफत है इसलिए कहते हैं सफ़ेद बालों को आप काला नहीं कर सकते अलबतः ने इसकीत ये बयान की है कि ये तग़िर खलक़िल्ला है क़ुरान में आता है कि शैतान ने कहा कसम उठाई कि अल्लाह मैं इनको फ़ला युर खलक़ल्ला ऐसे कामों का हुक्म दूंगा कि ये तेरी तख्लीक़ को तेरी फितरत को बदल देंगे तो लिखा है कि हदीस में सफ़ेद बालों को काला करने से जो मना किया गया है वो इसलिए कि आप अपनी तख्लीक को चेंज कर रहे हैं क्या मतलब आप जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये फ़ितरत है कि आपके बाल सफ़ेद होंगे उनका कलर चेंज होगा तो आप उनको ब्लैक करके आप बुढ़ापे से ज़बरदस्ती जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं यानी जवान है नहीं मगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं जवान लगूँ बालों को काला करके तो ये तहीर खलकिल्ला इसलिए हराम नाजायज़ है हाँ चालीस साल से पहले अगर किसी के बाल सफ़ेद होते हैं फिर ने कहा है कि चूँकि इसमें तगीर खलकल्ला नहीं है हदीस में जिस बेस पे मना किया गया है वो वजह यहाँ पाई जाती क्योंकि 40 साल से पहले इंसान जवान होता है तो उस वक्त बालों का सफ़ेद होना ये बुढ़ापे की वजह से नहीं है बल्कि किसी बीमारी की वजह से और बीमारी की आप उसको छुपा भी सकते हैं उसका इलाज के तौर पर भी कलर लगा सकते हैं इसी तरह जिहाद के मौके पर जो हमारे फ़ौज के अफसरान हैं उनके लिए इजाज़त है मुजाहिद के लिए इजाज़त है कि मैदान जंग में वो अपने बुढ़ापे को छुपाने के लिए बालों को काला कर सकता है ताकि दुश्मन पे रो पड़े जैसे रेशम पहनने की इजाज़त रेशम मर्दों पर हराम है मगर मैदान जंग में रेशम पहनने की इजाज़त है क्योंकि इस पर तलवार ज़्यादा असर नहीं करती बीमारी में रेशम पहनने की इजाज़त है तो इसी तरह काला काले बाल करने में अगर कोई शर्ी हमत हो जैसे मैदान जंग में मैंने बताया कि दुश्मन पर रो पड़ता है तो जिहाद में तो बहुत सारी चीज़ों की अल्लाह ने इजाज़त दी है तो इसी तरह जो हमारे जो अफसरान हैं फ़ौज के या हमारे जो आम फौजी हैं जो मैदान जंग में लड़ते हैं अफसरान की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अक्सर वही बुढ़ापे को पहुँचते हैं उन्हीं को ज़रूरत पेश आती है कि सफ़ेद बालों को काला करने की जो जो रंगरूट हैं जो जवान हैं है, वो उनके तो बाल सफ़ेद होते भी नहीं हैं लेकिन अगर किसी के हो गए हैं तो वो दुश्मन पर रोप डालने के लिए ताकि दुश्मन को ये देखने में जवान लगे उसके लिए इसकी इजाज़त है आम आदमी के लिए चालीस साल के बाद सफ़ेद बालों को काला करना जायज़ नहीं अलबतः ब्राउन कर सकते हैं और सुर्ख भी कर सकते हैं इसकी हदीस में इजाजत मौजूद है